अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। बॉक्स ऑफिस पर गोलमाल अगेन और सीक्रेट सुपरस्टार के बीच दौड़ जारी है। शनिवार को दोनों ही फिल्मों ने उम्मीद से ज्यादा धन बटोरकर अपने निर्माताओं को दिवाली गिफ्ट दिया। गोलमाल अगेन ने शनिवार को 28.37 करोड़ रुपए का बिजनेस किया तो शुक्रवार को इसकी कमाई 30.14 करोड़ रुपए थी, तो 58.51 करोड़ रुपए अपनी झोली में बटोरते हुए इसने 100 करोड़ की उम्मीद बना रखी है। तो आमिर की फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार को भी माउथ पब्लिसिटी का फायदा मिला। शनिवार को 8.65 करोड़ की कमाई के साथ इस फिल्म ने कुल 22.75 करोड़ रुपए अपने बिजनेस अकाउंट में जोड़ लिए हैं। खबरें इस तरह की भी आई थी कि जो लोग गोलमाल अगेन देखने गए थे उनको जब इस फिल्म की टिकट्स नहीं मिली तो उन्होंने सीक्रेट सुपरस्टार का रुख कर लिया, जिससे सीक्रेट सुपरस्टार को भी फायदा मिला है। इस फिल्म की लागत 50 करोड़ रुपए बताई जाती है, जिसके बाद अभी इसके लिए अपनी फिल्म की लागत निकालने में कमाई की दौड़ को जारी रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।